होने वाले हैं? क्या बिहार में होने वाले बड़े सियासी बदलाव के ये संकेत तो नहीं? एक और गृह मंत्री से मुलाकात होती है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशियाना बदल जाता है। हालांकि इसकी खबर पहले से थी, लेकिन क्या एनडीए में दरार के कारण बिहार में समीकरण बदल सकता है, इसकी खबर पहले से थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है उसमें कुछ निर्माण हो रहे हैं और उसमें कोई कार्य चल रहा है। इसको लेकर 7 सर्कुलर रोड स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नया आवास आवंटित किया गया है, जिसमें सीएम शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन आज ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और आज ही गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ठीक 8 बजे रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। क्या कोई समीकरण है? क्या एनडीए में दरार के कारण बिहार में समीकरण बदल सकता है? क्या गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार का यू आवास में, नए आवास में शिफ्ट होना ये कोई नया संकेत दे रहा है? क्या इसके कोई नए मायने हैं? कई मायने हो सकते हैं, मायनों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। गृह मंत्री से मुलाकात होती है और आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास, अपने नए आवास में शिफ्ट करते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव चैट पर निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं, तमाम मायनों को समझाएंगे। निर्भय, कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि सीएम नीतीश कुमार अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आज ही गृह मंत्री से मुलाकात होती, बातचीत होती है और आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए आवास में शिफ्ट होते हैं। क्या कोई मायने निकाले जा सकते हैं या निकल रहे हैं बिहार की राजनीतिक गलियारे में? देखिए, कोई मायने निकाले जाए या निकल रहे, जाहिर सी बात है शर्मिला की राजनीतिक गारों में अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसके मायने कई निकाले जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब नए आसियाने में जा रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड में उनका नया आसियाना होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन अगर इन सियासतों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होना या कल जो राजद के द्वारा इफ्तार पार्टी हुई उस इफ्तार पार्टी बाद अगर ये बातें कही जा रही हों तो शायद ये सिर्फ सियासी समीकरण ही हो सकते हैं, नए मायने ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह बदलने को लेकर के, उनके नए आसियाने को लेकर के अगर इन सारी खबरों से जुड़ करके, इन सारी स्थितियों से जोड़कर देखा जाए तो शायद ये बेहतर नहीं होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री के बदले हुए आसियाने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक सबसे पहले जो जानकारी दे देते हैं शर्मिला, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत पहले ही नया आसियाना चुनना था, और इसके लिए क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें कुछ कार्य करने वाले हैं, कुछ उसमें सुधार करना है, और उसी को लेकर के पहले भी ये बातें कही गई थी। कोरोना काल के दौरान भी मुख्यमंत्री के घर बदले जाने की बातें कही गई थी, यानी कि खरमास के पहले जी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आसियाना नहीं बदला था और यहाँ कुछ काम होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के दरमियान आपने देखा था कि सीएम आवास के कई ऐसे जो कर्मी थे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री का आवास नहीं बदला था। लेकिन अब स्थितियाँ सब सामान्य है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के ठिकाने को बदला जा रहा है और मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड जा रहे हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड जा रहे हैं, इसके पीछे जो बातें चल रही हैं उसमें सबसे पहला बात यह है कि क्या बिहार की सियासत बदलने वाली है, नई समीकरण की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, दरार की स्थितियां दिख रही है, हालांकि दरार खुलकर के सामने अब तक नहीं आई है, लेकिन दरार की स्थितियां दिख रही है, तो क्या ऐसे में नए सियासी समीकरण की तैयारी चल रही है, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर संकट है, क्या बीजेपी बिहार में सरकार बनाएगी और इस बार मुख्यमंत्री जो होंगे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा समीकरण आगे देखना होगा शर्मिला। एक और शर्मिला बात आपको बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री इसी मंगले में आए थे, इसी 7 सर्कुलर रोड में आए थे, वो भी 2014-15 की बात है जब मुख्यमंत्री आए थे वहां पर, लेकिन अब उसको समझ लेने की जरूरत है। देखिए, मुख्यमंत्री का लक्की नंबर कहा जाता है, वो मुख्यमंत्री का लक्की नंबर 7 है, और 7 सर्कुलर रोड जो है वो मुख्यमंत्री के लिए काफी खास माना जाता है, उनके लिए काफी लकी बंगला माना जाता है, तो क्या एक नई तैयारी चल रही है, इसीलिए इस कयासों पर मुहर लग रहे हैं। अब आपको बता दूं कि 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े हुए थे और उस वक्त मुख्यमंत्री जो था वो जीतन राम मांझी को बनाया गया था, तब इसी बंगले में रहते हुए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था, और उसके बाद जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे तो इसी बंगले में रहते हुए उन्होंने फैसला लिया था।
तो क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर से उसी 7 सर्कुलर रोड में जा रहे हैं? अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ दो स्थितियां हैं। एक बात ये भी आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली में जाने वाले हैं, दिल्ली शिफ्ट किए जाने वाले हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। हालांकि अब तक चर्चा पर विराम नहीं लगा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड जाने के बाद ही वो इस पर बेहतर तरीके से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन ये बातें चल रही है कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी राज्यसभा जाने की, तो क्या मुख्यमंत्री वहां जा सकते हैं? दूसरी बात ये भी है कि क्या जिस तरीके से बीजेपी के रथ को रोकने के लिए देश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि